ये करना ये चाहता है कि कम करते जाएं, कम करते जाएं, दायरा कम करते जाएं, कि ये भी वक्फ से बाहर, ये भी वक्फ से बाहर, ये भी वक्फ से है बाहर। कि पूरे बिल में साफ हर जगह लिखा हुआ मैं देख सकता हूं कि ये वक्फ का दुश्मन बिल है। तो आप दो तरफ से मार रहे हैं कि आपने वक्फ की बाजियाबी के लिए तो लिमिटेशन से एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया, वो तो 12 साल पर आप पूरे होने के बाद नहीं मांग पाएंगे, और अगर कोई वक्फ के इंक्लूजन को चैलेंज करने वाला है तो उसको आपने ये रियायत दे दी कि वो 1 साल की बजाय 2 साल में जाए, और अगर उसने उज्र अच्छा दे दिया तो वो भी माफ कर दी जाएगी ताकि। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वक्फ, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड इम्पर्सनल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जरूरी नहीं है कि ये वक्त से प्रॉपर्टीज की बाजियाबी के लिए एक्शन ले लें। इसलिए बहुत बेहतर करा गया था कि प्रॉपर्टीज के पोजीशन या किसी और इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए जो दावे आएंगे उनको फाइल करने के लिए लिमिटेशन रास्ते में नहीं आएगी। और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ ये कोई हवा में नहीं है कॉन्सेप्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज करा है। 1976 में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सैयद साले लब्बी के मैटर में, कि जो जजमेंट आप अगर ढूंढेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसमें इस बात को रिकॉग्नाइज करा है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और ये प्रिंसिपल उसके बाद दोहराया जाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही दोहराया। तो जो आप लिमिटेशन से एग्जेम्पशन है उसको अगर आप हटाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को ही आप, इसका ही ताना बाना आप बिखेर रहे हैं, और ये तब कर रहे हैं आप जबकि वक्फ एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका पर्पस है, वो है टू गिव बेटर, टू प्रोवाइड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औकाफ, जिसमें आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप औकाफ की हिफाजत करें ताकि आप उसको एडमिनिस्टर कर सकें। यहां पर आप औकाफ को तहस नहस कर रहे हैं। एक और चीज जो ये दिखाती है कि ये जो बिल है ये बहुत साफ नियत से नहीं बनाया गया, वो ये है कि दफा 6 और दफा 7 में वक्फ एक्ट की ये लिखा हुआ है कि अगर ये तनाजा पैदा होता है कि फला प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है तो गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश होने के 1 साल के अंदर जो अग्रीव्ड पर्सन है वो जा सकता है वक्फ ट्राइब्यूनल में दावा डाल सकता है। यानी मियाद क्या थी वहां पर, 1 साल थी। अभी जो प्रपोजल है उसके अंदर उस मियाद को बढ़ा करके कर दिया गया है 2 साल, और ट्राइब्यूनल को फिर भी अख्तियार दिया गया है वो चाहे तो अगर ताखीर से भी आ रहा है और ताखीर माफ कर, पहले ये नहीं था, पहले माफ करने का कोई प्रोविजन नहीं था, 1 साल अगर नहीं आया तो उसका हक गया। तो आप दो तरफ से मार रहे हैं कि आपने वक्फ की बाजियाबी के लिए तो लिमिटेशन से एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया, वो तो 12 साल पर आप पूरे होने के बाद नहीं मांग पाएंगे, और अगर कोई वक्फ के इंक्लूजन को चैलेंज करने वाला है तो उसको आपने ये रियायत दे दी कि वो 1 साल की बजाय 2 साल में जाए, और अगर उसने उज्र अच्छा दे दिया तो वो भी माफ कर दी जाएगी ताकि। तो लब्बुलुबाब यह है कि पूरे बिल में साफ हर जगह लिखा हुआ मैं देख सकता हूं कि ये वक्फ का दुश्मन बिल है, एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद नहीं है। ये करना ये चाहता है कि कम करते जाएं, कम करते जाएं, दायरा कम करते जाएं, कि ये भी वक्फ से बाहर, ये भी वक्फ से बाहर, ये भी वक्फ से बाहर। एक और जो प्रोविजन हटाया गया है इसमें वो है दफा 40। दफा 40 में वक्फ एक्ट के बोर्ड को ये अख्तियार होता है कि अगर उसको ये पता चलता है कि फला प्रॉपर्टी वक्फ है तो उसमें इंक्वायरी करेगी और उसको डिक्लेयर अपने यहां रजिस्टर कर लेंगे कि वक्फ के तौर पर हम लोग अपने पास रजिस्टर कर रहे हैं। अगर किसी को उससे तकलीफ है तो वो जाए उसको चैलेंज करे, यानी कि चैलेंज की रेमेडी दी हुई है, ट्राइब्यूनल में जाए, फोरम भी दिया हुआ है ट्राइब्यूनल, दोनों ही चीजें। ये नहीं कि अगर वक्फ ने किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास है। ये प्रोविजन था क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि वक्फ मोटे मोटे तौर पर दो तरह के हैं, एक वक्फ अलल अल्लाह, एक वक्फ अलल औला। वक्फ अलल अल्लाह में वो सारे साइंस होते हैं जो बताते हैं कि हाँ ये वक्फ है,
जैसे कि मस्जिद है या दरगाह है, उसको देख करके अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये भाई वक्फ है, यहां पर पब्लिक जाए, उसको इस्तेमाल करे, आ जाए। मगर वक्फ अलल औलाद के साथ दिक्कत क्या है कि ये अपने आने वाली नस्लों के लिए बनाया जाता है, जिसमें वक्फ नामा होता ही होता है। मैंने कोई वक्फ अलल औलाद ऐसा नहीं देखा जिसमें वक्फ नामा ना हो। उस वक्फ नामे के अंदर सब चीजें लिखी होती हैं कि किसको कितना फायदा पहुंचेगा, कितना चैरिटी में जाएगा, किसी मस्जिद के लिए जाएगा या दरगाह के लिए जाएगा या कुरान खवानी के लिए जाएगा, और सिलसिला तौलियत क्या रहेगा कि इसके बाद कौन बनेगा मुतवल्ली। अब मुसीबत ये होती है ऐसे औकाफ के साथ कि क्योंकि ये होते क्या हैं, ये ज्यादातर होते हैं मकान या दुकान जिनके किराए को लेकर के ये इंतजाम करा जाता है कि किराया आएगा तो किराया खोरी में इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इसका है, जो बाकी बचेगा वो फलाने काम पर लगेगा। अक्सर और बेशतर ये होता है कि ऐसे वक्त डिक्लेयर होते ही नहीं, मुतवल्ली या बेनिफिशियरी उस वक्फ डीड को अपने पास रख के बैठता। अक्सर ऐसा भी होता है कि आगे जाकर के वो औकाफ बिकते हैं क्योंकि किसी की नॉलेज में वो लाए नहीं जाते हैं कि ये वक्फ है, तो वो बेचे और खरीदे भी लिए जाते हैं। मेरे सामने एक मुद्दा आया अभी पिछले हफ्ते पुराने दिल्ली का कि साहब हमने ये जमीन खरीदी थी, मकान खरीदा था, और जिसने हमको बेचा था उसने किसी और से खरीदा था, और अब जो आसपास के लोग हैं वो ये हमको धमकी दे रहे हैं कि ये तो वक्फ का है और हम इसकी शिकायत कर देंगे। तो मैंने उनसे पूछा भाई कि किस वजह से कह रहे हैं कि ये वक्फ का है, तो उन्होंने मुझको वक्फनामा दिखाया, 1965 का वक्फनामा है, वक्फ अलल औलाद बनाया हुआ है उसको। 1968 में जो वाकिफ हजरत हैं उन्होंने उसको बेच दिया, खुद ही बेच दिया, और ये बोल के बेचा कि मैंने तो वक्फनामे में ये लिखा था कि मेरे पास इख्तियार रहेगा, मैं बेच सकूंगा। जो खरीदने वाले हैं उन्होंने आगे बेच दिया, उसमें एक वक्फनामे में शर्त यह है कि वाकिफ के पास ये इख्तियार तो होगा कि वो उसको बेच सके, मगर दूसरी शर्त यह है कि जो पैसा आएगा उसे कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद के वो वक्फ करनी पड़ेगी, वो करी नहीं। अब अगर ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में 30 साल बाद आती है, 40 साल बाद आती है, वो क्या करें उसका? वो तो वक्फ क्योंकि वेस्ट उनमें करना है तो वो तो रजिस्टर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसको इंक्वायरी करके अपने रजिस्टर में लेकर के आएंगे, ये प्रोविजन गया। अब वक्फ बोर्ड के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी अपनी जानकारी के बेस पर अगर उसको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है तो उसमें इंक्वायरी करे, वो रजिस्टर कर ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब अगर ये वक्फ खो गया तो खो गया, वक्फ चोरी हो गया तो हो गया। बहरहाल जैसे एक अभी मुद्दा बयान करा कि नॉन मुस्लिम्स के पास ये हक था, या इसको इस तरह से कहें कि वक्फ एक्ट के वक्फ के बेनिफिट के लिए नॉन मुस्लिम भी प्रॉपर्टी दे सकेंगे, अभी तक कानून में ये प्रोविजन है कि अगर किसी नॉन मुस्लिम को भी वक्फ के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी देनी है वो दे दें। इसको अब खत्म कर दिया गया ये बोलकर के नॉन मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकते, ठीक है साहब, मगर हिबा तो कर सकते हैं, गिफ्ट तो दे सकते हैं। आपने वो गिफ्ट भी खत्म करवा दिया, दुश्मनी निकालने की कोई इंतहा तो होनी चाहिए। आप वक्फ करने पर पाबंदी लगा रहे हैं, वक्फ जायदाद खत्म हो जाए, छिन जाए, उसकी आजादी दे रहे हैं। कोई अगर वक्फ को कुछ देना चाहता है उस पर रोक लगा रहे हैं, वक्फ कैसे करा जाएगा उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा, इसको हमने कम से कम मैंने आपने अलग अलग जावियों से परख लिया इस बिल को। सरकार चाहे कुछ कहती रहे कि ये वेलफेयर के लिए है, मगर इसमें नुकसान के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया।
कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे कि वेलफेयर का कुछ पहलू निकल करके आता हो। वेलफेयर के लिए एक बात ये सरकार बोल सकती है कि इसमें हमने वक्फ अलल औलाद बनाने वाले के असासे में से उसकी जो फीमेल जो लीगल हेयर्स हैं उनको असासा जाएगा, ये प्रोविजन हमने कर दिया है। मगर मुझको उसके पीछे भी लॉजिक नहीं दिखाई देता, क्योंकि वक्फ अलल औलाद अक्सर और बेशतर बनाए जाते हैं वसीयत में। जो वक्फनामा होता है, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप उसको पढ़कर देखिए, वो लिखा जाता है जैसे कि कोई वसीयत लिख रहा हो कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं मुतवल्ली रहूंगा और मेरे बाद फला फला मुतवल्ली होंगे और उनके बाद फला फला मुतवल्ली होंगे। आप मंशाए वाकिफ के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं ये बात बोलकर के जिसको वो नहीं देना चाहता उसको भी मिलेगा। आप जो विल का कानून है, जो वसीयत का कानून है, आप उसके साथ भी छेड़छाड़ कर इस तरह से। और मैं अपनी बात को सिर्फ ये बोलकर के खत्म करूंगा कि जैसे बताया कि हो सकता है कि ये बिल पास हो जाए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, अंदेशा मुझको भी ये है, तो एक चीज को याद रखिएगा, जॉन एलिया के साथ मैं बड़ी माफी मांग करके ये बात बोलता हूं कि वक्फ तो सर ही मांगता है मियां, वक्फ पर करबला का साया है। तो उस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा।